इसके पहले हम लोगों ने परमुटेशन और उसकी डिफिनेशन को हम लोगों ने समझा था और उसके प्रोडक्ट को समझा था, फिर इक्वालिटी और कुछ और जो उसके कंडीशन थे उसको हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ एक थियरम है, द सेट यस यन ऑफ ऑल फैक्टोरियल यन परमुटेशंस ऑफ यन सिंबल। यदि कोई हम एक सेट लें एस और यदि उसमें एन एलिमेंट हो तो उसमें कुल परमुटेशन की जो संख्या होती है वो फैक्टोरियल यन। जब एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने एस में 1, 2, 3 केवल 3 लिया था तब उसके फैक्टोरियल 3 यानी 6 परमुटेशन आए थे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इसमें लेट एस इज इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, ये हमने एन एलिमेंट ले लिया। तो जब यन एलिमेंट लेंगे तो यन एलिमेंट से जो परमुटेशन होंगे वो फैक्टोरियल एन परमुटेशन होंगे। तो लेट एस इज इक्वल टू ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, देन फैक्टोरियल एन परमुटेशंस कैन बी फॉर्म लेट कलेक्शन ऑफ फैक्टोरियल एन परमुटेशंस इज डिनोटेड बाई यस एन। अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना वर्क किया कि कहा ही जा रहा है कि एक कोई सेट है जिसको यस एन से डिनोट किया गया है और एक फैक्टोरियल यन परमुटेशंस का कलेक्शन है जो एन सिंबल्स का है। तो हमको ये करना है कि एक सेट हमने एस ले लिया जिसमें एन एलिमेंट हो और यन एलिमेंट से जो परमुटेशन बनेंगे उन परमुटेशन की संख्या जो होगी वो हमारा फैक्टोरियल यन होगा। तो जो फैक्टोरियल यन परमुटेशन का जो कलेक्शन है उसी को यस एन से डिनोट किया गया। तब ये कहा जा रहा है कि जो यस एन है वो परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है उस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यह ग्रुप होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो ग्रुप दिखाने के लिए हमको ग्रुप की जो चार कंडीशन है उन चारों कंडीशन को एक एक करके देखना पड़ेगा। तो जो पहला कंडीशन है वो हमारा क्लोजर, यानी पहला क्लोजर। तो क्लोजर के लिए क्या करें, एस एन का दो एलिमेंट लें और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करें और जो रिजल्ट आ गए वो फिर उसी सेट का एलिमेंट हो जाए तो हमारा क्लोजर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसके दो परमुटेशन लें। तो देखो दो परमुटेशन लेंगे तो इस परमुटेशन में हमारा ए वन ए टू ए थ्री ए एन या एन एलिमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, जो परमुटेशन लेंगे वो परमुटेशन यन आर्डर का आएगा, यानी यन आर्डर का मतलब ये है कि हमारा यहाँ से कोई ये परमुटेशन ले रहे हैं तो एक परमुटेशन सपोज कर लो कि ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के ए एन, और तब जैसे ये 1, 2, 3, 4 एन हो तो अब यही 1, 2, 3, 4 के जब नीचे क्रम बदलते जाएंगे, जैसे मान लो यह 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ एंड सो ऑन आगे की बढ़ो, फिर उसके बाद 3 हो गया 2 हो गया, यानी जब नीचे का क्रम बदलता जाएगा तो हमारा जो परमुटेशन होगा वो बदलता जाएगा। तो उनमें से कोई हमने एक परमुटेशन ले लिया। अब वो परमुटेशन में ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये कोई यन नंबर है। अब वो जिस क्रम में, अब जैसे मान लो ए वन है यह 2 है ये 3 है, यदि यहाँ 3 पहले आ गया तो जब 3 पहले आया तो ये थर्ड प्लेस पे है तो उसको यानी नीचे जो आया तो एक को हमने बी वन बी टू बी थ्री और बी एन ऐसा एक परमुटेशन ले लिया।
तो एक परम्यूटेशन हमने लिया जिसमें ए वन ए टू ए थ्री ए एन और ये एलिमेंट बी वन बी टू बी थ्री बी एन। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये भी हमारा वन से एन तक एलिमेंट है और यही एलिमेंट वन से एन तक ही ये नीचे उसका जब आर्डर चेंज होता जा रहा है तो हमारा वो परम्यूटेशन अलग अलग होता जा रहा है। तो जब एन सिंबल का परम्यूटेशन लेंगे तो उसके मतलब इसमें हमारे रो में भी और ये दूसरे रो में भी यानी ये एलिमेंट है उसका इमेज है इसमें भी यन एलिमेंट आएंगे। तो एक परम्यूटेशन यह ले लिया और एक परम्यूटेशन हमने सपोज कर लिया कि यह सी वन सी टू सी थ्री और यह सी एन ऐसा लिया और यह डी वन डी टू डी थ्री और डी एन ऐसा ले लिया। हमको यन सिंबल के दो परम्यूटेशन लेने हैं तो यन सिंबल के दो परम्यूटेशन इसका मतलब एन एलिमेंट ये और यही एलिमेंट यहाँ हमारा उसका क्रम चेंज हो जाएगा और फिर हम यहाँ कोई एलिमेंट किसी क्रम में ले लें और उसका इमेज जो आया वो हमारा नीचे ये दूसरा क्रम हो जाएगा। तो अब हम क्या करें कि इन दोनों को ये हमने एस एन का यह दो एलिमेंट ले लिया एस एन का दो एलिमेंट तो एस एन हमारा फैक्टोरियल एन परम्यूटेशन जो एन सिंबल के हैं उनके दो एलिमेंट लिए। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करना है तो मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करोगे तो यहाँ से यह ए वन ए टू ए थ्री और यह ए एन ऐसा आ गया और यह बी वन बी टू बी थ्री बी एन ये पहला परम्यूटेशन और जो दूसरा परम्यूटेशन है वो हमारा यह सी वन सी टू सी थ्री सी एन यह डी वन डी टू डी थ्री डी एन ऐसा आ गया। अब जब प्रोडक्ट तुम करते हो तो प्रोडक्ट में क्या करते हो कि जो तुम्हारा यह पहला एलिमेंट है उसी को यहाँ पहले पे लाओ इसका जो दूसरा है उसको यहाँ दूसरा लाओ वैसे हम ये लिखते जाते हैं और जब यह और यह जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाता है और यह हमारा बच जाता है। अब आप देखो यह ए वन ए टू ए थ्री ए एन बी वन बी टू बी थ्री बी एन सी वन सी टू सी थ्री सी एन डी वन डी टू डी थ्री डी एन ये सब तुम्हारे वन से लेकर के यन तक एलिमेंट हैं। तो वन से लेकर के यन तक एलिमेंट हैं तो यह भी हमारा वन से लेकर के यन तक कोई एलिमेंट है। अब ये जैसे सपोज कर लो कि यदि यहाँ थ्री है तो पहले प्लेस पे थ्री है और यहाँ जो तुम्हारा है ये हमारा पहले प्लेस पे अब थ्री को छोड़ करके दूसरा जैसे सपोज कर लो ये टू है तो इसीलिए यह थ्री है और ये टू है जो बदल गया है तो ये हमारा टू यहाँ लिख लिया गया ये इसको सी टू कह दिया गया। लेकिन ये सी वन सी टू सी थ्री सी एन ये भी वन टू थ्री से एन तक ही एलिमेंट है और इसका क्रम इस क्रम से बदला है इसलिए वो हमारा नोटेशन बदल गया। जैसे तुम्हारा यह बी वन को कहा हमने कि यदि ये टू है और यहाँ यदि थ्री है तो फिर इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं टू होगा क्योंकि वन से लेकर के यन तक के सारे एलिमेंट हैं। तो इसमें जहाँ टू होगा तो जब टू वाले को जैसे सपोज कर लो कि ये तुम्हारा टू है तो इसको जब पहले प्लेस ला दोगे तो यह एलिमेंट जो यही है और जब वो पहले प्लेस पे आ गया तो फिर ये और ये जब इक्वल हो गया तो ये हम बी वन लिख लेंगे। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझो अब इस चीज़ को यहाँ समझ जाओगे तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान में आता है। जैसे मान लो वन टू थ्री ऐसा है और ये तुम्हारा थ्री आ गया या टू आ गया या वन आ गया तो यह ए वन हुआ ए टू हुआ ए थ्री हुआ और फर्स्ट प्लेस पे वन है तो यह ए वन लिखा गया। अब ये हमारा जब बदल गया तो इसको हमने ये नया जो है बी वन कह दिया इसको बी टू कह दिया इसको बी थ्री कह दिया। अब एक यहाँ तुम्हारा जैसे सपोज कर लो यह टू है
और ये वन है, थ्री है, और फिर यह वन टू थ्री इस फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट करने के लिए जो पहला है उसको वह ऐसे रखते हैं, वन टू थ्री, थ्री टू वन, पहले को रहने दो वैसे। और तब तुम क्या कर लो कि देखो ये थ्री है तो इसमें देखो कि थ्री कहाँ है, तो इस पूरे कॉलम को जब यहाँ पहले प्लेस पे लाओगे तो हमारा उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यह थ्री जब यहाँ आया तो इसका इमेज थ्री है, वो भी हमने ले लिया। और फिर यह टू है तो यहाँ टू वाला सेकंड पे है तो इसका इमेज वन है, और फिर यह थ्री है यहाँ वन है, तो जब इस थ्री वाले को ये वन है तो वन वाले को जब यहाँ लेंगे तो इसका इमेज आ गया टू। अब जो नोटेशन है उसमें तुम समझो, ए वन ए टू ए थ्री, और यह बी वन बी टू बी थ्री ऐसे है, यह सी वन सी टू सी थ्री, और डी वन डी टू डी थ्री ऐसा लिखे, ठीक है। ये नंबर तो सब वन टू थ्री ही है लेकिन उसका जब प्लेस बदला है तो नोटेशन बदल गया। अब आप क्या कर लो कि जैसे यह तुम्हारा बी वन है, यह बी वन, और ये तुम्हारा क्योंकि ये दूसरा नंबर है इसको डी वन कह दिया। तो अब देखो ये जो वैल्यू यहाँ आया यह डी वन डी टू डी थ्री है, लेकिन जब यह डी थ्री ही जब पहले प्लेस पे आ गया तो ये वैल्यू बी वन है पहले प्लेस का, तो ये भी पहले प्लेस पे आ गया तब इसको बी वन लिखेंगे, ठीक है। ये तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है वही इसमें किसी डिफरेंट फार्म में, लेकिन जब जिस फार्म में ये है उसी में जब इसको लिख लोगे तो जो नोटेशन ये जो यह वही हमारा यह है, ठीक है। ये तो ऐसा हम कर लेंगे। तो अब आप क्या करोगे कि यह बी वन बी टू बी थ्री बी एन ऐसा लिखा गया, तो अब ये नंबर इसके जिस क्रम में हों उस क्रम से जब यहाँ लाया जाएगा तो वो हमारा बी वन बी टू बी थ्री बी एन हो जाएगा। तो अब इसी को इसीलिए जो तुम्हारे बुक में लिखा है यह हमने अभी आपको समझाने का प्रयास किया, आप भी जो लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। तो अब हम यह एक परम्यूटेशन ले लिए और यह परम्यूटेशन ऐसे लिया गया, लेकिन जब इस परम्यूटेशन में जो ये वैल्यू है वो इसमें कहीं ना कहीं आएगा, तो जब उसको पहले पे लिख लोगे तो वो हमारा बी वन आ जाए। इसलिए यदि कोई परम्यूटेशन तुम ऐसे लिखे हो तब उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि अब ये पहले यदि ये नंबर इसमें कहीं भी हो जब पहले उसको हम ला देंगे तो उसको हम बी वन कहेंगे, ठीक है। ये जो दूसरा जो ये न्यूमेरिकली वैल्यू इसमें जहाँ होगा जब वो यहाँ आ जाएगा वो हमारा बी टू कहलाएगा, ये तीसरी वैल्यू है ये जो आएगा वो हमारा बी थ्री कहलाएगा, ठीक है। ये तो इस तरह से जो ये वैल्यू है इसको उसी फार्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो जो हम लिखते हैं वो जब प्रोडक्ट करना होता है तो जो ये लेते हैं उसी को यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये इससे ये डिफरेंट आ सकता है लेकिन उसको इस फार्म में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे आपने समझ लिया। तो अब जब हमको लिखना होगा तो जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे इसका रीज़न आपको बता दिया कि ये वैल्यू इससे डिफरेंट रहेगा तो ये जिस क्रम में है उन वैल्यू को जब उसी क्रम में ला देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब हम जो अब नया लेंगे तो अब एलिमेंट जो यहाँ लेते हैं प्रोडक्ट के लिए वही यहाँ लेंगे, तो उसको अब हम ऐसे लिख लेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आपके दिमाग में आ सकता है कि हम यह इक्वल लिए और यह इक्वल लिए तो हमारा ये प्रोडक्ट हो गया, लेकिन यदि ये और ये डिफरेंट होता तब तो कैसे आता। तो उसी चीज़ को हमने बताया कि यदि ये डिफरेंट है तो जो है उसके इक्वल हम ला सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब ए वन ए टू ए थ्री ए एन, बी वन बी टू बी थ्री बी एन, अब इसको हमने ले लिया बी वन बी टू बी थ्री और यह बी एन, और इसका जो आया C1, C2, C3 और CN, ए आया, ठीक है। तो
अब हम इस तरह का एलिमेंट लेंगे, इस तरह के एलिमेंट को क्यों लेंगे, रीजन आपको बता दें, ठीक है। अब जो ये दो एलिमेंट आया, इन दोनों का प्रोडक्ट आप करो, जब प्रोडक्ट करोगे तो यह आ गया, यह बी वन बी टू बी थ्री बी एन सी वन सी टू सी थ्री सी एन ऐसा आ गया। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल हो गया तब हमको बच गया यह ए वन ए टू ए थ्री ए एन और यहाँ सी वन सी टू सी थ्री और सी एन, ऐसा हमको मिल जाएगा। तो इस एस एन का दो परमुटेशन लिया, दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमको यह परमुटेशन आ गया, तो यह एस एन का हो जाए। एस एन का होने के लिए एक ही चीज़ चाहिए कि यह एन एलिमेंट होगा, और प्रत्येक के यह इमेज आएंगे, तो जब इसके एन एलिमेंट होंगे तो वह एस एन का आएगा, तो हमारा यह एस एन में हो गया, यह एस एन में बिलोंग कर गया। तो हमने देखा कि एस एन का दो परमुटेशन लिया और दोनों का प्रोडक्ट किया तो जो रिजल्ट आया वो भी हमारा किस में आ गया, एस एन में आ गया, तो क्लोजर हो गया। अब क्लोजर के बाद क्या करेंगे, एसोसिएट। एसोसिएट एसोसिएटिव में तीन एलिमेंट लेंगे, तो लेट ए वन ए टू एन बी वन बी टू बी एन पहला हो गया। अब जो लेते हैं तो जो यहाँ लेंगे वही ऊपर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट भी रहेगा तो इस नंबर के क्रम में उसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा आ गया बी वन बी टू से लेकर के बी एन सी वन सी टू से सी एन, ये दूसरा एलिमेंट हो। अब इसका एक और आएगा, यह अब यह नीचे आए तो अब इसको यहाँ सी वन सी टू सी एन और यह डी वन डी टू डी एन, ऐसा हमको ये तीन एलिमेंट आ गए। लेट दिस आर थ्री परमुटेशन, इन एस एन एस एन के तीन परमुटेशन ले लें, तो ये एसोसिएटिव में दो को एक साथ लो जो रिजल्ट आए, फिर तीसरे को। तब हम यहाँ लिया ए वन ए टू ए एन और बी वन बी टू बी एन, ये आ गया। फिर इसके बाद बी वन बी टू बी एन सी वन सी टू सी एन, इन दोनों को एक साथ लिया और तब लास्ट वाले को अलग, तो यह सी वन सी टू सी एन डी वन डी टू डी एन, ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया। और तब इसकी वैल्यू को देखो क्या आ रहा है, तो इन दो का प्रोडक्ट तो यह और यह कैंसिल, तब आया ए वन ए टू ए एन और यह सी वन सी टू सी एन, ऐसा गया। अब इस प्रोडक्ट में इसको करना है, तो यह सी वन सी टू सी एन और यह डी वन डी टू डी एन, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तब ये कैंसिल हो गया और तब हमको मिल गया यह ए वन ए टू ए एन डी वन डी टू डी एन, ऐसा गया। तो हम क्या किए कि इन दोनों को एक साथ लिए, इसको अलग लिए और तब हमारा ये रिजल्ट है। अब हम क्या कर लेंगे कि अब इसको अलग आए, इन दोनों को एक साथ लो और तब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। तो
इसको क्या कर लो कि यह वैल्यू हमने लिखा, अब इसको लो नाउ a1 a2 an b1 b2 bn, पहले को हमने अलग कर लिया और तब b1 b2 bn c1 c2 cn और c1 c2 cn d1 d2 dn। यहाँ हमने पहले वाले को और दूसरे वाले को एक साथ लिया, इसको प्रोडक्ट किया जो रिजल्ट आया तीसरे को किया। अब इसमें हमने क्या किया कि पहले वाले को अलग कर लिया और लास्ट दो को एक साथ ले लिया। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे जो आएगा उसको पहले से करेंगे, यदि ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ से यह जो वैल्यू आया इसकी वैल्यू, तो यह a1 a2 an और यह b1 b2 bn ऐसा आया। इसका प्रोडक्ट करो, सी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यह b1 b2 bn और d1 d2 और dn ऐसा आ गया। और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट तो है बी वाले सेम है, तब हमको मिल गया a1 a2 an और यह d1 d2 dn। तो जो इसकी वैल्यू आया है यह 1 और जो यह 2, ये 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा और तब यही हमारा एसोसिएटिव है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 एसोसिएटिव ला होल्ड्स। एसोसिएटिव ला होल्ड कर लिया तो हमने क्लोजर दिखा लिया, एसोसिएटिव दिखा लिया और आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो एन एसएन की आइडेंटिटी चाहिए, तो एसएन की आइडेंटिटी के लिए एन ऑर्डर का एन लेंथ का हमको चाहिए परमुटेशन। तो आइडेंटिटी में जो एलिमेंट हम रो में लेते हैं उसका इमेज वो स्वयं हो तो वही आइडेंटिटी होता है। तो यह लेंथ A1, A2, AN और फिर A1 का इमेज A1 ही, A2 का A2 ही और AN का AN ही, ये हमारा SN का एलिमेंट है। SN का एलिमेंट होने के लिए सिर्फ जब ये हमारा N एलिमेंट आएंगे और उसके ये इमेज आएंगे तो हमारा वो SN का होगा, लेकिन यदि ये 3 का ही रहेगा तो हमारा S3 का होगा, 2 का रहेगा तो S2 का रहेगा। तो हमारा SN का यह एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका इमेज भी वही है। अब हमारा क्लेम है कि SN का जो यह एलिमेंट है वही हमारा आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी कब प्रूफ हो जाएगा, जब SN का कोई एलिमेंट लो और उससे इसको जब प्रोडक्ट करो और तब इसके प्रोडक्ट होने से वो परम्यूटेशन चेंज ना हो तो प्रूफ हो जाएगा कि हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो यह तुमने ले लिया, अब लेट दिस बिलोंग टू SN सच दैट फॉर एनी परम्यूटेशन A1 A2 AN P1 B2 BN
बिलोंग टू एशियन, ये हमारा क्लेम कर रहे हैं कि आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए एशियन का कोई एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट को एशियन के एलिमेंट से हम प्रोडक्ट करें, इसके प्रोडक्ट होने से वैल्यू में परिवर्तन ना हो, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा आइडेंटिटी है। तो वही लिखा गया, लेट दिस बिलोंग टू एशियन सच दैट फॉर एनी परम्यूटेशन बिलोंग टू दिस वी हैव इसको यदि हम रखेंगे तो यह A1, A2, An, B1, B2, Bn, और यह है A1, A2, An, A1, A2, An, ऐसा है। ठीक है ये, तो अब देखो इसको प्रोडक्ट करने के लिए या तो तुम पहले इसको लिखो, और नहीं तो न्यूमेरिकली तुमको यही है कि जो ये वैल्यू है B1, ये 1 से n तो कोई एक नंबर है और 1 से n तो कोई नंबर इसमें भी आएगा, तो उसको इस क्रम में कर लोगे तो B1 B2 हमको मिल जाएगा, या यदि इसका इसमें प्रोडक्ट कर दोगे तो ये हमारा कैंसिल होके और ये हमको क्या दे दिया, यह A1 A2 An और यह B1 B2 Bn। तब हमने देखा कि इससे इसको प्रोडक्ट करने पर इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, ये हमारा आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, यानी कोई भी 1 से n तक जो एलिमेंट लो और उसका जो प्रत्येक का स्वयं ही एलिमेंट में जा जाएगा तो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि उससे जब दूसरे में परम्यूटेशन का प्रोडक्ट करेंगे तो इससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा। अब हमारा तीसरा होता है इनवर्स, तो इनवर्स में क्या है कि कोई एक परम्यूटेशन लो, तो चौथा इनवर्स फॉर एनी परम्यूटेशन A1 A2 An और यह B1 B2 Bn, वी फाइंड B1 B2 Bn A1 A2 An belongs to Sn, जो एलिमेंट लो इसके दूसरे रो को पहले रो में कर लो और इसके पहले रो को दूसरे में कर लो, तो हमारा क्लेम है कि इसका यही इनवर्स होगा। अब इसका ये इनवर्स तब होगा जब इसमें इसको ऑपरेट करके दिखा दो कि आइडेंटिटी आ जाए, तो फॉर एनी परम्यूटेशन दिस वी फाइंड ए परम्यूटेशन दिस इन एशियन सच दैट A1, A2, An और यह B1, B2, Bn, प्रोडक्ट किया है दूसरे को B1, B2, Bn और यह A1, A2, An, ऐसा हमने ले लिया। तो ऐसा जब लिए तो ये हमारा कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिल गया, यह A1, A2, An और यह फिर A1, A2, An, यानी इस परम्यूटेशन में इसको ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी के लिए बस एक ही कंडीशन है कि जो एलिमेंट रहे उसका इमेज वही आवे, तो हमारा अब ये प्रूफ हो गया कि इसमें इसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ गया, तो ये इसका इनवर्स परम्यूटेशन है। तो विच सोच सोच दैट B1, B2, Bn, A1, A2, An इज इनवर्स ऑफ A1, A2, An, B1,
बी टू बी एन। अब इन्वर्स आ गया तो हमारे चारों कंडीशन, एक तो हमने क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये हमारा ग्रुप हो गया। तो हेंस एसियन इज ए ग्रुप